सामान्य विज्ञान मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीएसएल। यहाँ दोस्तों आपका सीएसएल एग्जाम 1 से 11 तारीख को होने वाला है, तो आज मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। 1 हॉर्स पावर मतलब 746 वाट, उष्मा कार्य, समय, भार, आवेग, त्वरण, ये सभी अधिस राशि, इस बात का याद रखिएगा। एक वस्तु का द्रव्यमान उसके भौतिक मात्रा, अधिक मात्रा और मौलिक मात्रा, ये तीनों पर निर्भर करता है। अधिस राशि है यंग का मापक। जी हाँ दोस्तों, अधिस राशि यंग का मापक है। आवेग और संवेग का मात्रक समान होता है, जिसे केजी माइनस मीटर प्रति सेकंड कहते हैं। जब किसी वस्तु को तरल में रखा जाता है तो उसके ऊपर की ओर बल लगता है, उत्प्लावन बल लगता है। ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी की ओर किस प्रकार यात्रा करता है, तो रेडिएशन यानी विकिरण के जो है यात्रा करता है। मैनोमीटर जो है गैस का दाब नापता है। फैदोमीटर समुद्र की गहराई नापता है। पायरोमीटर उच्च तापमान को नापता है। सेलिनोमीटर लवणता के पानी को नापता है। तो ये चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके प्रीवियस ईयर एसएससी सीएसएल में पूछे गए हैं। घनत्व की एसआई क्या इकाई है, केजी मीटर प्रति सेकेंड, जिसे मास बटे वैल्यू या द्रव्यमान बटे घनत्व भी कहते हैं। फिर इसी तरीके से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1266 से 1287 के बीच किसका शासन, किसने शासन किया था, तो ग्यासुद्दीन बलबन ने। और 1236 से लेकर 1240 तक रजिया सुल्तान ने शासन किया था। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीते थे। और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें जो है मोहम्मद गौरी जीता था और जो है पृथ्वीराज चौहान मारा गया था। कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है। सुल्तान इल्तुतमिश का वजीर निजाम मुल्क जुनेदी था। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, इल्तुतमिश की। 1236 से 1240 तक किसका शासनकाल था। मिनहाज ए सिराज ने किसका इतिहास लिखा था, रजिया सुल्तान का। कुतुब मीनार का नाम किस सूफी संत के नाम पर रखा गया है, तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी के नाम पर। अलाउद्दीन खिलजू का चित्तौड़ पर आक्रमण था 1303 ईस्वी में, मालवा पर 1305 ईस्वी में। और आपका जो है रणथंभौर का आक्रमण 1301 ईस्वी में जो है किया था। ये अलाउद्दीन खिलजी के जो है आक्रमण है, जो तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसे मालवा और आपका जो है चित्तौड़, ये दोनों पूछे जाते हैं। और आपको रणथंभौर 1301 भी याद रखना है। तो ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके जो है टॉप 18, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हैं, पिछले 3 साल के क्वेश्चन हैं ये सीएसएल के, जो कि आपके विज्ञान और ऐतिहासिक घटनाएं में से लिए गए हैं। और इसी तरीके से मैंने 25-25 क्वेश्चन के 2 वीडियो और बना कर रखे हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा या आप प्ले लिस्ट पर जाकर चेक कर लीजिए। ये 3रा वीडियो है, इससे पहले मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं, तो ये वो दोनों वीडियो भी देख लीजिएगा। अगर आप ये तीनों वीडियो जो है पढ़ लेते हैं, तो इसमें से 100% क्वेश्चन फंसने की चांस है। और मैं अभी कल परसों मिलाकर 2 वीडियो और पढ़ा दूंगा, यानी अगर आप 5 वीडियो देख लेंगे तो आपका समझ लीजिए 25 नंबर 100% कंफर्म है सीएसएल की चांस, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें ऐतिहासिक घटनाएं और विज्ञान को मैंने रखा है। इससे पहले मैंने आपका करंट अफेयर और जीके जीएस 2 वीडियो में पढ़ा दिए हैं।